चाणक्य अकेडमी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। आपका स्वागत है हमारे प्रीलिम्स हॉस्टल क्विक रिवीजन नोट्स में। चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी की सीरीज। मरकरी एंड वीनस, इस पे कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब इस पे कोई मून नहीं पाए जाते हैं। अर्थ पे एक मून है जिसका नाम लूना है, और अर्थ को हमारे मिल्की वे गैलेक्सी भी कहा जाता है। मार्स पे देखते हैं कितने सैटेलाइट है। मार्स पे दो सैटेलाइट है और इसका नाम डेमोस एंड फोबोस है। मार्स पे दो सैटेलाइट, फोबोस हमारा एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कौन से प्लेनेट की सैटेलाइट है। नाउ डिस्कस करते हैं जुपिटर। जुपिटर पे कितनी सैटेलाइट है, यहाँ पे 79 सैटेलाइट है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सैटर्न पे ज़्यादा सैटेलाइट है क्योंकि जुपिटर इन अकॉर्डिंग टू देयर साइज बिग है, लेकिन सबसे ज़्यादा सैटेलाइट सैटर्न पे है। 79 जुपिटर पे सैटेलाइट है। सैटेलाइट का नाम लो है, यूरोपा है, गैनीमेड है एंड कैलिस्टो है। दीज आर द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। अब देखते हैं सैटर्न पे कौन कौन से सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट 82 सैटेलाइट हैं सैटर्न पे, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट पाई जाती हैं। टाइटन है, रिया है, इंसलाइडस है, एक्सेप्ट्रा। यूरेनस पे 27 सैटेलाइट हैं, मेरेंडा है, टाइटेनिया है, ओबेरॉन है, एरियल है एंड अम्ब्रियल है। नेपच्यून पे देखते हैं कितनी सैटेलाइट है, 14 सैटेलाइट हैं। 14 मून्स मतलब सैटेलाइट, सैटेलाइट और मून में कन्फ्यूज मत होइएगा, सैटेलाइट को ही मून बोलते हैं। ट्राइटॉन, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है ट्राइटॉन नाम है। प्लूटो पे 5 सैटेलाइट है ऑल्दो इट इज़ नॉट अ प्लैनेट। चेरॉन, स्टिक्स, निक्स, कैरबरोस एंड हाइड्रा, दीज आर द इंपॉर्टेंट सैटेलाइट ऑफ प्लूटो। अगर देखा जाए गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। गैनीमेड कौन से है उसमें, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है ये जुपिटर की सैटेलाइट है। नाउ द सेकेंड, टाइटन इज द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। टाइटन किसका है, अब टाइटन अगर देखेंगे तो किसका सैटेलाइट है, टाइटन हमारा यूरेनस का सैटेलाइट है। एंड थर्ड वन इज मिरिंडा, टाइटेनिया, ओबेरॉन, एरियल, अम्ब्रियल, नेम आफ्टर कैरेक्टर इन शेक्सपियर वर्क। मतलब ये जितने भी सैटेलाइट हैं, जितने भी मून हैं, इनका नाम कैरेक्टर जो शेक्सपियर में यूज़ किए गए हैं उनके वर्क पे उस पे नाम रखा गया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। नाउ लेट्स वी प्रोसीड अहेड। अब देखते हैं अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कैसा है। पहले क्या होता है, क्रस्ट होता है। अब क्रस्ट भी दो पार्ट में डिवाइड है, सियाल और सीमा। सियाल जो होता है वो अपर होता है, ये सियाल जो बना होता है सिलिकॉन और अल्मोनियम से बना होता है। वेयर एज सीमा, सीमा इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एज वेल एज मैग्नीशियम से बना होता है। अब सियाल के नीचे ये 8 से 40 किलोमीटर तक क्रस्ट रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा मेंटल। अब मेंटल हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो होता है उसको सब स्ट्रेटम पार्ट बोलते हैं, सब स्ट्रेटम पार्ट होते हैं, और यहीं पे एस्थोनोस्फेयर होता है जो वीकर जोन ऑफ मैग्मा होता है, और यहीं पे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं क्योंकि ये वीकेस्ट जोन होता है अर्थ का। यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन राइज होते हैं और ये एक्सटेंड करता है 2900 किलोमीटर। अगर देखा जाए क्रस्ट में दो लेयर होती हैं, सियाल और सीमा। सियाल और सीमा को कौन अलग करता है, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी। वेयर्स क्रस्टोमेंटल को कौन अलग करता है, क्रिस्टोमेंटल को कौन अलग करता है, कौन सी लेयर अलग करती है क्रिस्टोमेंटल को, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए, कुछ बताते नहीं है। अगर देखा जाए फिर आउटर कोर आता है। आउटर कोर में क्या होता है, इनर कोर होता है और आउटर कोर होता है। आउटर कोर हमारा 2250 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, और इनर कोर जो हमारा होता है वो 7000 अप टू 7000 अप्रोक्सीमेटली एक्सीड कर जाता है, 6970 किलोमीटर। और ये जो इनर कोर होता है वो भाई सॉलिड होता है क्योंकि इसमें निकेल और आयरन पाए जाते हैं, समझ गए। आउटर कोर और इनर कोर को कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, रेपिटी करती है, रेपिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द फेनोमेना। जो डे एंड नाइट होता है, जो दिन रात होते हैं वो किस वजह से होते हैं। द डे एंड नाइट अकर्स बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारे दिन और रात होते हैं। और वेयर एज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से हमारा सीजन चेंजेस होते हैं, डे एंड नाइट के लेंथ में वेरिएशन आता है। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस द पोर्शन विच कम्स इन टू द रेज ऑफ द सन एक्सपीरियंस डे लाइट, वेयर एज विच इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ विच इज़ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस डार्कनेस।
और नाइट होती है वहाँ पे। और डिस्कस करते हैं, ये देखिए अभी जो हम ऊपर डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे थे उसको बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। कोनार्ड मोहन की रिपोर्ट गुलमर्ग से ले आई, मतलब ये एक तरीके का ट्रिक बता दिया है कि मतलब कैसे ये डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम अपर से लोअर तक के वेरी करती है। कोनार्ड, पहले कोनार्ड आती है, फिर मोहन मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी आती है, फिर गुलमर्ग डिसकंटिन्यूटी है, फिर लेमैन आती है। कोनार्ड मोहरोविक रेपेटी एंड ग्यूटेनबर्ग एंड लेमैन डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट है, अपर मेंटल है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। मोरोविक डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन दी अपर मेंटल एंड रोवल क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। वेयर इज रेपिटी, किसके बीच में पाई जाती है? रेपिटी बिटवीन मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है। वेयर इज ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में पाई जाती है। और लेमैन डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। आई थिंक टुडे इज इनफ फॉर दिस। नाउ वी विल मीट अनदर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द डे। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर द डे।